धनबाद में परिवहन विभाग से आम लोग ऑनलाइन परिवहन कार्यालय में लेकिन लोग निराश होकर ही लौटते हैं। लाइसेंस बनाने वाला है, हम रोज चक्कर लगा रहे, इतना भीड़ हो रहा है, कुछ कहने का है ये नहीं, कुछ काम हो ये नहीं रहा है। वही धनबाद डीटीओ ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि 2018-19 में धनबाद जिले को 14,400 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 9,156 करोड़ रुपए वसूले गए। वही बात करें 2019-20 की तो इस वर्ष 17,917 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें अभी तक 11,977 करोड़ रुपए की राशि वसूली जा चुकी है। एक्चुअली 2018-19 में धनबाद जिले को जो टारगेट था वो 14,400 करोड़ का था, जिसके अगेंस्ट मार्च महीने तक, मार्च के एंड फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 9,156 करोड़ की वसूली हुई थी। 19-20 में मेरा जो टारगेट है वो है 17,917 करोड़ रुपए का, जिसमें से अभी फरवरी माह के एंड तक मेरा 11,977 करोड़ की वसूली मैंने कर ली है। वही ड्राइविंग लाइसेंस में आम लोगों को हो रही परेशानियों के मामले के बाद धनबाद डीटीओ ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, लोग जागरूक नहीं है, जिस वजह से लोगों को अभी थोड़ी परेशानी हो रही है। चूंकि सारी चीजें अभी थोड़ी सी ऑनलाइन हो गई है, लोग उससे अवेयर नहीं है, मतलब उनको थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन उसके लिए मेरा ऑफिस 5 कंप्यूटर्स मैंने उसके लिए सेपरेटली किया है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। वीक में 6 दिन अभी हमने। अब आगे देखना होगा कि हजारों करोड़ का राजस्व वसूल कर सरकार को देने वाला जिला परिवहन विभाग अपने कार्यालय में बुनियादी सुविधाएं देने के लिए कब तक कदम उठा पाता है। न्यूजीलैंड भारत के लिए धनबाद से दिलशाद खान की रिपोर्ट।